Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आईबीपीएस पीओ मेंस की क्लासेस में, जहां पर आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज अ टॉपिक दैट यूजुअली कम्स इन ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन. एक अगर बात करें क्लर्क की, LIC के, जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है, LIC हो, चाहे वो NABARD हो, चाहे वो RRB एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, आईबीपीएस पीओ मेंस हो, चाहे SBI हो, हर एक एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन देखने को मिलता ही मिलता है. एंड दिस इज द टॉपिक जिसको रीडिंग स्किल्स अच्छी है उसके लिए तो बहुत ही आसान है, अगर जिसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल टॉपिक बन जाता है. इसलिए कहा जाता है डेली रीडिंग करना जरूरी है. अगर आप डेली रीडिंग करते रहेंगे तो इससे आपके अंदर सुधार होता रहेगा. रीडिंग एक दिन में आप नहीं सीख सकते हैं, ये काम आप लोगों को लगातार करते रहना है. अगर अभी तक आप रीडिंग करते नहीं आए थे, लेट इट गो, बट नाउ ऑनवर्ड्स व्हाट यू हैव टू डू इफ यू वॉन्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, मेक श्योर दैट यू अटेंड 6 AM क्लास, 8 PM क्लास, एंड डेली यू हैव टू डू रीडिंग. 8 PM क्लास में हम लोग सारी के सारी ग्रामर पढ़ लेंगे, यहाँ पर हम लोग सुबह के सेशन में वो कैब्स पढ़ लेंगे, और आप जब रीडिंग करना शुरू करोगे तो क्लोज टेस्ट और आप लोगों का सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे टॉपिक्स आपके लिए आसान बनते रहेंगे. तो लिखा क्या है, उठो, जागो, बढ़ो, और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए. लक्ष्य की प्राप्ति करनी है हर एक दिन. सोचो, एक आपका लक्ष्य होना चाहिए और आपका लक्ष्य सिर्फ ये है 2019 शुड बी इन योर हैंड. इसको अपने हाथ से जाने नहीं देना है. स्टूडेंट्स, LIC है, क्लर्क है, IBPS का एग्जामिनेशन है, लाइन से लगा, डोंट लेट द अपॉर्चुनिटी गो फ्रॉम योर हैंड. यू हैव टू वर्क हार्ड. अभी तक नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं, आज से और अभी से अपने को चेंज कर लो और पढ़ने के लिए लग जाओ, और मेरे कि मेरे सब बन जाएंगे क्या मैनेजर. फिर आई कॉल यू गाइज मैनेजर. फिर हम आपको कहेंगे कि अरे मेरे स्टूडेंट्स क्या हैं, मैनेजर हैं. तो फटाफट से सबको क्या बनना है, मैनेजर बनना है. स्टूडेंट्स, इसके लिए रोज के रोज क्या करना है, पढ़ना जरूरी है. पढ़ेंगे तभी आप लोग बनेंगे क्या, मेरे मैनेजर्स बनेंगे. तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. कुछ न्यू पैटर्न के कुछ बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस देखने को आप लोगों को मिलेंगे. स्टूडेंट्स, हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस आप लोगों को करवाएंगे बेसिक टू हाई, क्योंकि क्लास जो रहेगी आप लोगों की वो बेसिक टू हाई रहेगी. तो छोटे छोटे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हम लोग बड़े बड़े पैराग्राफ्स भी करने लगेंगे, क्योंकि आज तो पहली क्लास है आप लोगों की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की. लिखा हुआ, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड. जैसा कहा गया है आप लोगों को वैसे आंसर्स देने होंगे. पहले आप लोगों को पैराग्राफ पढ़ना होगा, फिर आप लोगों को हम क्वेश्चंस दिखाएंगे. तो ये रहा आप लोगों का पहला पैराग्राफ. टेक्निकल टीम, 40 सेकेंड्स का टाइमर लगा दिया जाए. ये आप लोगों का पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ से सिर्फ इतना बड़ा है. पढ़ो. चलो, आई होप सभी ने पढ़ लिया होगा. अब बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या है लिखा है. टेक्निकल टीम स्क्रीन पर ला सकते हैं. द वे मोस्ट ऑफ अस सेव इज टू पुट अवे वॉट एवर इज लेफ्ट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस आर टेकन केयर ऑफ एंड पुट अवे एनी सरप्लस इनकम, बट दैट इज नॉट द बेस्ट वे ऑफ सेविंग एंड देर आर चांसेस ऑफ अस फॉलिंग शॉर्ट. ये तरीका नहीं है,
कि बचा कुचा आपने क्या कर दिया, सेव कर दिया, आराम से आप खर्चा कर रहे हो, ये बेस्ट तरीका नहीं है। एंड देर आर चांसेस, और फिर ऐसे अगर आप खर्चा करते रहोगे अनलिमिटेड, तो उससे क्या होगा, आपके पास पैसा क्या होने लगेगा, कम पड़ने लगेगा, फॉलिंग शॉर्ट। अ वेरी स्ट्रिंजेंट सेविंग प्लान दैट फेवर्स, एक स्ट्रिक्ट सेविंग जो प्लान है वो फेवर करता है फ्यूचर डिमांड्स ओवर करंट एस्पिरेशन, इज ऑल्सो लाइकली टू फेल। इंस्टेड अ बेटर अप्रोच इज, जो बेहतरीन तरीका है वो है, इज ड्यू कंसिडरेशन इज गिवन टू करेंट एंड फ्यूचर नीड्स। दिस विल हेल्प, ये हेल्प करेगा किसमें, डिवाइड द अवेलेबल इनकम, जो आपके पास उस टाइम अवेलेबल इनकम है, बिटवीन करंट कंजम्पशन एंड फ्यूचर सेविंग। करंट कंजम्पशन के लिए भी जो आपको इस समय इस्तेमाल की ज़रूरत है उसके लिए भी, और जो फ्यूचर में आपकी ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए भी ये मदद करेगा। इफ़ एन एक्सपेंस और अ नीड इज टू लार्ज, अगर जो आपका एक्सपेंस है और जो आपकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा लार्ज है, टू बी मेट आउट ऑफ द रेगुलर इनकम, एम मार्क्ड इट फॉर द फ्यूचर, इसको निर्धारित कर दीजिए किस कब के लिए, फ्यूचर के लिए इसको क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। सो द वे टू बाय अ कोवेटेड वॉच, सो द वे टू बाय अ कोवेटेड वॉच, कोवेटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डिज़ायर, मतलब इच्छुक होना किसी चीज़ के लिए। सो द वे टू बाय अ कोवेटेड वॉच इज नॉट टू स्वाइप द क्रेडिट कार्ड, आपका मन हुआ, आपका डिज़ायर, आपकी इच्छा है कि हमें एक बेहतरीन वॉच लेनी है, आपकी बहुत दिनों से इच्छा थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाएंगे अपना क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कर देंगे एंड कमिट योरसेल्फ टू डेब्ट, और आप क्या हो जाएंगे, उधारी पर हो जाएंगे। बट टू सेट असाइड, आपको क्या करना चाहिए, आपको ये क्रेडिट कार्ड से स्वाइप नहीं करना चाहिए, वॉट यू हैव टू डू, सेट असाइड मनी फ्रॉम योर करेंट इनकम, आपको पैसा बचा के रखना चाहिए, एंड बाय द वॉच, और ख़रीदनी चाहिए व्हेन यू हैव रिक्वायर्ड फंड, जब खरीदना चाहिए, जब आपके पास पर्याप्त क्या हो जाए, फंड्स हो जाए, तब आपको खरीदना चाहिए। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट इन्फर्ड, आप इस पैराग्राफ से क्या इन्फर्ड कर सकते हैं। टेक्निकल टीम लगाइए 40 सेकेंड्स का टाइमर, फिर आई विल एक्सप्लेन, फिर से आई विल एक्सप्लेन, डोंट फरी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर्स की बौछार आप लोग लगा चुके हैं, एकदम बढ़िया काम कर रहे हो। आज बातें कम होंगी, सिर्फ आंसर्स आंसर्स का डिस्कशन ज़्यादा होगा, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, क्या इन्फर्ड कर सकते हैं। द बेटर वे टू सेव, जो बेहतरीन तरीका है पैसा बचाने का वो क्या है, इज टू गिव ड्यू कंसिडरेशन टू करेंट एंड फ्यूचर नीड्स एंड प्लान अकॉर्डिंगली, हो सकता है इसको होल्ड पे रख दो। It's better to buy the things that you require at present than to save money and buy them later. ऐसा कहीं नहीं पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि भैया ये बेहतरीन है कि आपका जब मन चाहे, जो मन चाहे खरीद लो। It's better to buy the things that you require at present than to save money. Save करने से अच्छा है उसी टाइम खरीद लो, and buy them later. It's better to buy things that you require at present than to save money and buy them. Save money नहीं करनी है, बाद में नहीं खरीदना, उसी टाइम खरीद लो, ऐसा ऑथर नहीं कह रहा है। बाइंग अ वॉच इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सेविंग फॉर द फ्यूचर, जो बाइंग अ वॉच यानी जो घड़ी खरीदने की बात करी गई वो ज़्यादा ज़रूरी है देन सेविंग फॉर द फ्यूचर। फेस फ्यूचर से जो पैसा हम बचा रहे हैं फ्यूचर के लिए भी, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि भैया घड़ी को क्या कर लो, खरीद लो, तो ये भी एकदम इररेलेवेंट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्ट्रिंजेंट, एक बेहतरीन जो सेविंग प्लान है वो क्या करेगा, विल प्रोड्यूस अ गुड रिजल्ट फॉर द फ्यूचर। अगर हम बात करें ए और डी की, तो अगर हम डी वाले के सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो लिखा स्ट्रिंजेंट सेविंग प्लान विल प्रोड्यूस अ गुड रिजल्ट फॉर द फ्यूचर, ही फ्यूचर की बात कर रहा है, मगर इस वाले सेंटेंस में बात कर रहा है करंट की भी और फ्यूचर नीड्स की भी एंड प्लान अकॉर्डिंगली। और जब हम इन्फर्ड करते हैं तो हमको हर एक चीज़ अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सॉल्व करनी होती है, हर एक चीज़ को कंसिडरेशन में रखना होता है कि देखो जैसे हम लोग बात कर रहे थे करंट की भी बात कर रहे थे, फ्यूचर की बात कर रहे थे, सेविंग की भी बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पर जो करेक्ट होना चाहिए सब चीजों को लेते हुए, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड शुड फिल इन द ब्लैंक्स, एक पैराग्राफ था तो हमने उसका कुछ पार्ट यहाँ पर ऐसे कर दिया है, आपको बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पर होगा। ए बी सी डी ई यहाँ पर लगा हुआ है, बोथ ए एंड डी। टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है प्लीज टाइमर लगा दिया जाए। जल्दी जल्दी से बताओ भाई, बहुत बड़ी आंसर्स, बहुत बड़ी आंसर्स। चलो देखते हैं यहां पर क्या होगा। सो द डैश इज स्ट्रिंजेंट वे टू बाय अ कोविटेड वॉच इज नॉट टू स्वाइप द क्रेडिट कार्ड एंड कमिट योर सेल्फ टू डेब्ट बट टू सेट असाइड मनी फ्रॉम योर करेंट इनकम एंड बाय द वॉच वेन यू हैव द रिक्वायर्ड फंड। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सो द बैड वे टू बाय, एक बुरा तरीका है, या अनएथिकल यानी कि जो मोरली करेक्ट नहीं है, या कहा गया है सो द मनी वाइज वे। अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें, अगर हम मनी वाइज बात करें, समझना मेरी बात को, मनी वाइज का मतलब क्या है, यहाँ पर हम मुद्दे की बात किसके बारे में बात कर रहे हैं, मनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहा है सो द मनी वाइज, यहाँ पर करेक्ट क्या होना चाहिए, मनी। हर एक चीज़ को समझाना मेरी जिम्मेदारी, अभी समझ में आएगा बिल्कुल। यहाँ पर बात कर रहा है किसकी, मनी की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, सो द मनी वाइज वे टू बाय, अगर हम मनी, अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें, फाइनेंशियल टर्म्स में बात क्या करनी है, सो द मनी वाइज वे टू बाय अ कोवेटेड वॉच इज नॉट टू स्वाइप, अगर हम मनी के सिलसिले में बात कर रहे हैं तो कहा है टू बाय अ कोवेटेड वॉच, जिसकी आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी, कोवेटेड वॉच, कोवेटेड का मतलब जिसके लिए आप बहुत डिजायर हो कि नहीं हमको ये चाहिए, नहीं हमको ये चाहिए। To buy a coveted watch is not to swipe the credit card. ऐसा नहीं है कि बस swipe करा credit card से और आपने अपने को क्या कर लिया, उधारी पे कर लिया, and commit yourself to debt. But to set aside money from your current account and buy the watch when you have the required funds. So यहाँ पर correct answer क्या होना चाहिए, concerning money wise, यानी to related to money. आई बात समझ में कि नहीं आई, आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट वे टू बाय अ कोवेटेड वॉच इज नॉट टू सर्वाइव, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको क्या करना है, स्ट्रिक्ट वे की बात कर रहा है, नहीं बैड वे की बात कर रहा है, नहीं मोरली नॉट मोरली करेक्ट नहीं, यहाँ पर मनी फाइनेंशियल टर्म्स में बात कर रहा है। सो द फाइनेंशियल टर्म्स में अगर हमने बात करी, जो तरीका है वो क्या है, To buy a coveted watch is not to swipe. तो यहाँ पर सिलसिले में किसकी बात कर रहा है, सो द, अगर मनी वाइज, अगर हम मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू किसके, मनी के सिलसिले में अगर हम बात करें, जो तरीका है वो क्या है, टू बाय अ कोवेटेड वॉच इज नॉट टू स्वाइप द क्रेडिट कार्ड एंड कमिट योर सेल्फ टू डेब्ट बट टू सेट असाइड मनी फ्रॉम योर करेंट इनकम एंड बाय द वॉच वेन यू हैव द रिक्वायर्ड फंड। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। मनी वाइज हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, जिससे हम कह सकते हैं स्पीकिंग फाइनेंशियली रिलेटेड टू मनी, हर तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। मनी वाइज की अगर बात करी गई तो मनी से रिलेटेड, यानी फाइनेंशियली अगर हमने बात करी, फाइनेंशियल तरीके से अगर हमने बात करी, तो कहा गया टू बाय अ कोवेटेड वॉच इज नॉट टू, ये तरीका नहीं है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या होने वाला है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिखा हुआ है। कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नेक्स्ट लाइन आफ्टर द लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ, यहां पर क्या हो सकता है, और हम यूं कहें तो मेजॉरिटी गलत बताएगी। चलो बताओ,
चलो बहुत बढ़िया। अब देखो टेक योर टाइम लिखा हुआ है, सो द मनी वाइज वे टू बाय अ कोवेटेड वॉच, अगर हम मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे टू बाय अ कोवेटेड वॉच, तो ये तरीका नहीं है कि आपने क्रेडिट कार्ड से पैसा सबमिट कर दिया, पैसा दे दिया और उसके बाद आप उधारी पर हो गए। बट टू सेट असाइड मनी फ्रॉम योर करेंट इनकम एंड बाय द वॉच व्हेन यू हैव द रिक्वायर्ड फंड, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके हम लोग ऐसे आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नेक्स्ट लाइन, कौन सी नेक्स्ट लाइन हो सकती है? मोस्ट ऑफ अस नेवर हैव इनफ मनी फॉर इमीडिएट एक्सपेंसेस एज वेल एज सेविंग, किसी चीज़ को समराइज करने को नहीं बोला गया है, यहाँ पर कहा गया है नेक्स्ट लाइन क्या होगी। यहाँ पर क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ अस ज़बरदस्ती बात बता रहा है कि ज़्यादातर लोगों के पास इनफ मनी नहीं होती है तो इमीडिएटली खर्चा कर दे, ऐसी बात क्यों कर रहा है? यहाँ पर तो ये बोला गया है कि इस लाइन के आगे क्या लाइन हो सकती है, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। लिखा है देयर विल बी अ लॉट ऑफ अनवांटेड एक्सपेंसेस दैट कैन क्रीप इन एवरी नाउ एंड देन, बहुत सारे ऐसे अनवांटेड खर्चे हैं जो हर टाइम कभी ये है कभी वो है ऐसे चलते रहते हैं। तो ये आपसे किसी चीज़ को अपने मन से बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको बताया गया है किसके आगे क्या हो सकता है। इफ़ वी हैड एनफ मनी टू मीट आवर करेंट एक्सपेंसेस एंड फ्यूचर गोल्स देयर विल बी नो प्रॉब्लम, होल्ड ऑन कर दो इसको, हो सकता है ये हो जाए। लिखा एक्सपेंसेस और नीड्स दैट हैव टू बी मेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर आर कॉल्ड गोल्स, ये भी हो सकता है। जस्ट एज वी सेग्रीगेट मतलब डिवाइड करते हैं द इसेंशियल एंड लेस इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन आर शॉपिंग लिस्ट, डू द सेम विद योर गोल्स, भैया कहा गया जस्ट जैसे कि हम लोग सेग्रीगेट करते हैं कि भैया ये चीज़ क्या है इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ क्या है लेस इम्पॉर्टेंट है शॉपिंग में, उसी तरीके से हमको जो अपना गोल बनाते हैं उसमें भी ये करना चाहिए कि ये लेस है ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या वाहियात बात कर रहा है, कोई सेंस ही नहीं दे रहा है। अब आप लोगों को बताना है अब बचे हम किससे, सी और डी से, अब बताओ क्या हो सकता है यहाँ पर, सी होगा या डी होगा, आपको आगे की लाइन बतानी है, जल्दी से बताओ क्या होगा। इफ वी हैड इनफ मनी कहा गया है यहां पर, बट टू सेट असाइड मनी फ्रॉम योर करेंट इनकम एंड बाय द वॉच व्हेन यू हैव रिक्वायर्ड फंड्स, आप मनी किनारे रख दो, करंट मनी आप जो उधारी पे खरीदने जा रहे थे अपने क्रेडिट कार्ड से खरीदने जा रहे थे उसको मत खरीदो, और जो मनी है उसको अपनी इनकम के तौर पर रख दो, और जब आपके पास रिक्वायर्ड फंड हो जाए तब आपको खरीदना। तो यहाँ पर कह रहा है एक्सपेंसेस और नीड्स दैट हैव टू बी मेट एट अ पॉइंट ऑफ द टाइम इन द फ्यूचर आर कॉल्ड गोल्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, एक्सपेंसेस और नीड्स दैट हैव टू बी मेट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर आर कॉल्ड गोल्स, यहाँ पर जो लाइन आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जो एक्सपेंसेस हैं जो खर्चे हैं और जो ज़रूरतें हैं दैट हैव टू बी मेट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, उनको क्या कहा जाता है, आर कॉल्ड गोल्स। अगर लिखा हुआ इफ़ वी हैड इनफ मनी टू मीट आवर करंट एक्सपेंसेस एंड फ्यूचर गोल्स, इफ़ वी हैड देयर वुड बी नो प्रॉब्लम, किसी बात को समराइज कर रहा है, क्या कह रहा है, इफ़ वी हैड इनफ मनी अगर हमारे पास पर्याप्त पैसा है टू मीट क्या करने के लिए, करंट एक्सपेंसेस यानी जो हमारे करंट के जो खर्चे हैं और जो फ्यूचर के हमारे गोल्स हैं देयर वुड बी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो आगे लाइन आनी चाहिए वो क्या होगा, एक्सपेंसेस और नीड्स आर हैव टू बी मेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर आर कॉल्ड गोल्स। हमने सारे ऑप्शंस देख लिए, कोई भी नहीं बैठा, सबसे मीनिंगफुल जो है वो है ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं और टेक्निकल टीम लगा दीजिए, टेक्निकल टीम 40 seconds का टाइमर और हमको स्क्रीन से हटा दीजिए। चलो समय खत्म हो चुका है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, पाकिस्तान आर्मी एंड पॉलिटिकल लीडरशिप आर ऑन वन पेज
टू टेक डायलॉग विद इंडिया फॉरवर्ड, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है ऑन वेंसडे एट द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फॉर द कॉरिडोर। ये ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब ग्राउंड को तोड़ना नहीं, इसका मतलब होता है फर्स्ट डे ऑफ कंस्ट्रक्शन। जब क्या होता है, जिस दिन पहला दिन जो कंस्ट्रक्शन का होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, फर्स्ट डे ऑफ कंस्ट्रक्शन। पाकिस्तान चीफ और आर्मी स्टाफ जनरल, इनका नाम क्या है, जनरल कमर भाजवा वॉज ऑल्सो प्रेजेंट। द 4 किलोमीटर कॉरिडोर, कॉरिडोर की बनने की बात कही है तो कितने किलोमीटर का है, द 4 किलोमीटर कॉरिडोर फ्रॉम द बॉर्डर विद इंडिया विल अलाउ पिलग्रिम्स, जो पिलग्रिम्स जो लोग होते हैं, जो यात्री होते हैं, पिलग्रिम्स जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, विल अलाउ पिलग्रिम्स इजी एक्सेस एंड विल बी रेडी इन टाइम, बिल्कुल तैयार हो जाएगा फॉर सिख फाउंडर गुरु नानक की 558th बर्थ एनिवर्सरी ऑन मंडे 2019 तक की ये तैयार हो जाएगा। इन अ स्पीच लार्जली रीचिंग आउट टू द इंडियन गवर्नमेंट टू ब्रेक द शैकल्स ऑफ द पास, यानी हर एक मुश्किलों से, यानी किसी चीज़ को फ्री कर देना, यहाँ पर कहा गया रीचिंग आउट टू द इंडियन गवर्नमेंट टू फ्री वन सेल्फ, जो पास से एकदम फ्री कर देना, एंड रीस्टार्ट करना इंगेजमेंट को। मिस्टर खान ऑल्सो स्ट्रक अ डिस्कॉर्डेंट नोट ऑन कश्मीर, ये अंडरलाइन है, यानी कि इसका अपोजिट पूछा गया होगा या सिनोनिम पूछा गया होगा, नोट ऑन कश्मीर रेफरिंग टू द डिस्प्यूट एज द सिंगल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया हैज़ मेंटेन द टेररिज्म स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान इज होल्डिंग बैक द डायलॉग प्रोसेस। आस्क्ड अबाउट द रेफरेंस, मिस बदर टोल्ड दैट द रिमार्क डिड नॉट चेंज द इंडियन स्टैंड, जो रिमार्क है उसने चेंज नहीं करा है किसको, इंडियन स्टैंड को चेंज नहीं करा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और लगा दिया जाए 40 seconds का टाइमर। अजम्पशन, चलो समय खत्म हो गया है और यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, टेक्निकल टीम स्क्रीन पर लाते हैं, चलो पहले से आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस कुड बी ड्रॉन आउट मोस्ट एप्रोप्रिएटली फ्रॉम अ क्लॉज इन द फर्स्ट पैराग्राफ, पाकिस्तान आर्मी की बात करी गई है, एंड पोलिटिकल लीडरशिप आर ऑन वन पेज टू टेक डायलॉग विद इंडिया फॉरवर्ड। समझना, हम समझाएंगे, परेशान मत हो। पाकिस्तान आर्मी एंड पोलिटिकल लीडरशिप आर ऑन वन पेज टू टेक डायलॉग विद इंडिया फॉरवर्ड। पहला वाला लिखा हुआ, थर्ड से शुरू करते हैं। लिखा है पाकिस्तान पोलिटिकल लीडरशिप कुड इंडिपेंडेंटली, यहां पर कहा गया है पाकिस्तान पोलिटिकल लीडरशिप के साथ में हमने आर्मी की भी बात करी है, और यहां पर कह रहा है पाकिस्तान पोलिटिकल लीडरशिप कुड इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, टेक फॉरवर्ड डायलॉग विद इंडिया, नहीं, आर्मी भी है और पोलिटिकल लीडरशिप भी है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट लिखा हुआ है देयर इज अ पेपर ऑफ हाई स्ट्रेंथ प्रेजेंट इन पाकिस्तान वे पाकिस्तान्स आर्मी एंड द पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडरशिप कुड स्टैंड टुगेदर। अरे कहा गया है कोई ऐसा पेपर है, हाई स्ट्रेंथ का एक पेपर जो कहाँ पर प्रेजेंट है, पाकिस्तान में प्रेजेंट है, जहाँ पर
पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडरशिप जो है कुड स्टैंड टुगेदर वहां पर खड़े हो सकते हैं। अरे ये कैसे बात कर रहे हो, यहाँ पर तो इंडिया की बात कर रहे हो ना, तो क्या इसको लिख सकते थे? नहीं लिख सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन लगा सकते थे नहीं। वहां पर कहा जा रहा है कि भैया पाकिस्तान में एक हाई स्ट्रेंथ पेपर अवेलेबल है, जहां पर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की जो आर्मी और पाकिस्तान के जो पोलिटिकल लीडर है वहां पर खड़े हो सकते हैं। अरे इंडिया के डायलॉग की बात करें, इंडिया कहाँ चला गया, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इन पाकिस्तान टू हैव अ डायलॉग विद इंडिया, पाकिस्तान इन टू हैव अ डायलॉग विद इंडिया देयर शुड बी अ कॉन्सेंसस, यानी सहमति होनी चाहिए किसके बीच में, पाकिस्तान आर्मी के बीच में एंड द पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडरशिप। जैसा कि हमारे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, पाकिस्तान आर्मी एंड पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तान आर्मी एंड पॉलिटिकल लीडरशिप इंडिया की बात कर रहा है तो इंडिया हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होगा ओनली वन इज़ योर राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। आई होप इतनी बात समझ में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आ गई होगी कि यहाँ पर जो आपसे कहा गया है कि इस लाइन से आप क्या समझ रहे हैं, तो इस लाइन से हम क्या समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहा है, पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहा है और इंडिया भी है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर वन में ही देखने को मिल रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया है, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आप और करना चाहते हैं तो फटाफट से पहले लाइक करो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आपको लाइक करना है तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस चाहिए हैं तो लाइक तो बनता ही बनता है, फटाफट से लाइक कर दो, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कि ये सेशन आप लोगों को पहुँचाना है। ये रिक्वेस्ट है यार, क्यों नहीं पहुँचाते हो, कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उसको अपने फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया करो यार, एहसान कर दिया करो मेरे ऊपर। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक्निकल टीम लगा दिया जाए 40 सेकंड्स का टाइम और हमें यहाँ से समय खत्म हो चुका है, फटाफट से हमको, हम आपको टाइम दे रहे हैं, टेक योर टाइम, मगर आंसर आपका सही होना चाहिए, टेक योर टाइम, मगर आपका आंसर सही होना चाहिए। जल्दी जल्दी से बताओ, डिस्कॉर्डेंट का मतलब आगे पूछा गया है, मगर अब इस पैराग्राफ को समझाने के लिए हमको आपको बताना पड़ेगा। मिस्टर खान ऑल्सो स्ट्रक अ डिस्कॉर्डेंट नोट, यानी डिसअग्रीइंग नोट ऑन कश्मीर, रेफरिंग टू द डिस्प्यूट अ सिंगल इशू, रेफर क्या कर रहा है, एक सिंगल इशू है, किसके किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वॉट डज, अब ऑथर कह रहा है, वॉट डज मिस्टर खान मीन by referring to the Kashmir dispute as single issue between, author क्या कहना चाह रहा है by referring to the Kashmir dispute as single issue, author क्यों कह रहा है इसको single issue between India and Pakistan। तो समझो पहला point क्या लिखा हुआ है, according to Mr. Khan there is only one issue between India and Pakistan which needs to be solved, हो सकता है। According to Mr. Khan, dispute on Kashmir is an issue among other important unresolved issues between India and Pakistan which has the highest importance. कहीं बात नहीं कर रहे हो। According to Mr. Khan, Kashmir is a part of both India and Pakistan. कहीं बात नहीं कर रहे हो। According to Mr. Khan, India and Pakistan have failed to resolve the issue between India and Pakistan.
कहा गया है अकॉर्डिंग टू खान, इंडिया और पाकिस्तान क्या नहीं कर पाए हैं, रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं मुद्दे को, किसके किसके बीच में जो इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा है वो इंडिया और पाकिस्तान मिलकर सुलझा नहीं पाए हैं। यहाँ पर कह रहा है अकॉर्डिंग टू मिस्टर खान, कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। अरे कहाँ कहा गया है कि कश्मीर दोनों का ही पार्ट है। लेक्स लिखा था अकॉर्डिंग टू मिस्टर खान, डिस्प्यूट ऑन कश्मीर इज़ एन इशू अमंग अदर इम्पॉर्टेंट अनरिजॉल्व इशू। जो और भी अनरिजॉल्व इशूज़ हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, डिस्प्यूट ऑन कश्मीर। फिर कहा गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच इज़ द हाईएस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इंडिया और पाकिस्तान में जो कश्मीर का मुद्दा है विच इज़ द हाईएस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर कह रहा है अकॉर्डिंग टू मिस्टर खान देयर इज़ ओनली वन इशू। यहाँ पर कह रहा है क्यों ऐसा कह रहा है, और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर होगा, समझना क्यों। मिस्टर खान ऑल्सो स्ट्रक अ डिस्कॉर्डेंट नोट, डिसअग्रिंग नोट ऑन कश्मीर रेफरिंग टू द डिस्प्यूट एज द सिंगल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मिस्टर खान ऑल्सो स्ट्रक अ डिस्कॉर्डेंट डिसअग्रींग नोट, मतलब क्या होना, डिफरेंट कॉन्ट्रेरी नोट, कॉन्फ्लिक्टिंग नोट ऑन कश्मीर रेफरिंग टू द डिस्प्यूट एज द सिंगल इशू। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बात करी गई है, स्ट्रक हो गया है यानी उसी से वो भिड़ गया है, उसी में वो बैठ गया है, बैठना मतलब बैठ नहीं, उसी से चिपक गया है, उसी मुद्दे पर वो सुलझाने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर खान ऑल्सो स्ट्रक अ डिस्कॉर्डेंट नोट, उसने क्या करी, एक डिस्कॉर्डेंट नोट पर ही वो फिक्स्ड हो गया है, क्या कहते हुए, रेफरिंग टू द डिस्प्यूट एज सिंगल इशू। ये क्या है, एक सिंगल इशू है। तो यहाँ पर ऑथर के अनुसार क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मिस्टर खान केवल क्या है, एक ही इशू है, सिंगल इशू, देयर इज ओनली वन इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसको क्या जरूरत है, जिसको सुलझाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टेक्निकल टीम स्क्रीन पर ला सकते हैं और टाइमर लगा दिया जाए, फटाओ बताओ क्या होना चाहिए। चलो समय खत्म हो गया। मिस्टर खान ऑल्सो स्ट्रक अ डिस्कॉर्डेंट नोट ऑन कश्मीर रेफरिंग टू द डिस्प्यूट अ सिंगल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आप लोग देख सकते हो क्या होगा, डिसअग्रींग और इन कांग्रेस। तो यहाँ पर आप लोग आंसर बता दो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा, एंडोर्समेंट का मतलब होता है द एक्शन ऑफ एंडोर्सिंग समवन और समथिंग। एकॉर्ड का मतलब होता है गिव और ग्रांटिंग समवन पावर, किसी को एकॉर्ड मतलब टू ग्रांट करना, देना किसी को, क्या देना, पावर देना। नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉन्कर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ तो कॉन्कर्ड इसका मतलब होता है बी ऑफ द सेम ओपिनियन, यानी किसी चीज़ को क्या कर देना, किसी के साथ में क्या हो जाना, अग्री हो जाना, सहमति बना लेना। अगली का मतलब क्या होता है, भद्दा यानी बुरा। अगर आपको ये समझ में आ गया है, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस चाहते हो धीरे धीरे और आपका लेवल बढ़ता जाएगा, अगर आप ऐसे सेशन चाहते हो तो फटाफट से पहले लाइक करो। जो बच्चे नए जुड़े हैं ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, आपके लाइक से कुछ नहीं जाएगा। आपके जो बच्चे जुड़े हैं या तो लाइक करो, लाइक तो करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, या अपने वैल्यूएबल सजेशंस, योर वैल्यूएबल सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम इन माई सजेशन। अगर कुछ बुरा लगता है तो यू पीपल आर फ्री टू जस्ट राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, ज़रूर बताना। और सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूरी है, आप लोगों को लाइक करना है। और दीपावली की हार्दिक बहुत सारी आप लोगों को शुभकामना, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग दीपावली मनाइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अगर हमारे चैनल से आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब फटाफट से अभी कर लीजिए, और लाइक तो बनता है और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर इमेंस लव, आप सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड नाइट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।